उज्जैन के नानाखेड़ा थाना क्षेत्र में आने वाले ऊंचा मताना ग्राम में 7 जून की रात को विक्रम परमार नामक शख्स की मौत होने की जानकारी पुलिस को मुखबिर के माध्यम से मिलते ही 8 जून को मृतक के अंतिम संस्कार की तैयारी के दौरान ही पुलिस पहुंची और दाह संस्कार रुकवा दिया। परिजन ने सफाई दी कि विक्रम परमार की स्वास्थ्य बिगड़ने से अचानक मौत हुई है। पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम करवाया तो मृतक के शरीर पर चोट के निशान पाए गए। मामले में पुलिस ने जब परिजन से पूछताछ की तो पता चला मृतक विक्रम शराब के नशे में घर आया था और उसकी पत्नी से मारपीट कर रहा था। झगड़े की आवाज सुनकर विक्रम का पुत्र जितेंद्र ऊपर के कमरे से नीचे आया और पिता के व्यवहार को देख नाराज हुए और पिता को मुक्का मार दिया, जिससे विक्रम की पसली में चोट आई और मौत हो गई। मामले को दबाने के लिए चुपचाप अंतिम संस्कार करने की तैयारी की गई, लेकिन पुलिस ने समय पर पहुंचकर मामले को दबाने से रोक लिया और आरोपी पुत्र को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। हत्या के खुलासे में सिटी एडिशनल SP रुपेश त्रिवेदी, CSP HN बाथम, थाना नानाखेड़ा प्रभारी सतनाम सिंह व संतोष पाठक की महत्वपूर्ण भूमिका रही। के अंतर्गत एक हत्या का प्रकरण सामने आया है, जिसमें कल सुबह एक सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति को रात को मारपीट करके मार दिया गया है और मारने के बाद उसको जलाने का तैयारी कर ली गई है। सूचना मिलने पर तत्काल नानाखेड़ा पुलिस वहाँ पहुँची और मौके पर जो तथ्य थे और जो वहाँ पर साक्ष्य मिले उससे स्पष्ट हुआ कि ये सामान्य व्यक्ति नहीं है। इसके बाद PM कराया गया रेड बॉडी का और जो संदिग्ध थे उनसे पूछताछ की गई, आसपास पूछताछ की गई और बहुत सारी जो चीज़ें निकल के आई उसमें पता चला कि लड़का जो है उसके लड़के ने ही रात को उसके पिता को मारपीट कर हत्या कर दी है और हत्या का जो कारण आया है जिसमें कि उसके मृतक है शराब पीने का आदि होना, जमीन 2 बीघा से ज़्यादा जो है बेच के थोड़ा शराब में उड़ा देना, इस तरह के आपस के पारिवारिक विवाद चलते रहे। इसमें आरोपी कितने बने? इसमें जो लड़का है जितेंद्र लोही आरोपी है। पुलिस ने इतना अच्छा काम किया है, क्या इनाम की घोषणा की जाएगी? हाँ, वास्तव में ये 24 घंटे के अंदर एक अज्ञात हत्या के प्रकरण का खुलासा किया गया, जिसमें नानाखेड़ा पूरी टीम को पुलिस अधीक्षक महोदय ने पुरस्कृत करने की घोषणा की।